ये लड्डू इसलिए नहीं बनाकर खाए जाते कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे हम इसलिए खाते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आज हम अलसी के लड्डू बनाएंगे, वो भी बिना चीनी और गुड़ के। अलसी के बीज में ओमेगा 3 और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। नियमित रूप से थोड़ी सी मात्रा में इसका सेवन करने से कई बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। मछली को ओमेगा 3 का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, पर इसका सेवन केवल नॉन वेजिटेरियन लोग ही कर पाते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का एक बेहतर विकल्प है। वजन कम करने में भी अलसी के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आज हम बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसान तरीके से अलसी और खजूर के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अलसी ली है। अलसी भूरे रंग के चिकने बीज होते हैं, ये आसानी से मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं। इसे हम सबसे पहले भूनेंगे, गैस ऑन करके पैन में अलसी डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसे भूनने में। तो जैसे ही ये चटकने लगेगी और इसका कलर चेंज होगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में 50 ग्राम बादाम डालेंगे। बादाम को मैंने बारीक बारीक पतला पतला काट कर लिया है। 1 से 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट बादाम को भूनने के बाद इसे हम निकालेंगे। अब हम 500 ग्राम खजूर लेंगे। खजूर हमें अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट वाला लेना है। अब हम इसके बीज और ऊपर के पार्ट को अलग निकाल देंगे। तो खजूर को भी हमने तैयार कर लिया है। अलसी के बीज भी ठंडे हो गए हैं, तो इसे अब हम मिक्सी जार में डालेंगे और हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। तो इस प्रकार से अलसी को भी हमने पीस लिया है। अब हम पैन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खजूर और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से मैश नहीं हो जाते और ये आटे के जैसे एक साथ इकट्ठा नहीं हो जाते। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि सारी खजूर एक साथ इकट्ठा होकर डो के रूप में हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें पिसी हुई अलसी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो अभी खजूर ज़्यादा गर्म है तो इसे हम हाथों से मिक्स नहीं करेंगे। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। अभी भी खजूर गर्म है पर हम इसे गरम गरम में ही मिक्स कर लड्डू बनाना है। तो खजूर और अलसी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बादाम डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बिना बादाम के भी इसे बना सकते हैं। तो बादाम को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्का गर्म में ही अब हम लड्डू बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है, नींबू के साइज़ के छोटे छोटे ही बनाना है क्योंकि इसे हम दवा के रूप में अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो सारे लड्डू हमने बना लिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है और इसमें गुड़ या चीनी का यूज़ नहीं किया है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।